इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने वाईफाई का पासवर्ड कैसे पता करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम एकता है। पर सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि अपने वाईफाई कनेक्शन का पासवर्ड क्यों पता करें, इसकी क्या जरूरत है। हो सकता है कि आपने अपने वाईफाई का पासवर्ड बहुत पहले सेट किया था और आप उसे भूल गए हैं। ऐसे में वाईफाई के पासवर्ड को आप फिर से देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई दोस्त या मेहमान आए हैं और आप उनके साथ अपना वाईफाई कनेक्शन शेयर करना चाहते हैं पर पासवर्ड याद नहीं, तो आप आसानी से पासवर्ड देख सकते हैं। अगर आप किसी के घर गए, मानो कोई दोस्त या परिवारजन, और वो आपको अपना वाईफाई पासवर्ड नहीं दे पा रहे क्योंकि वो खुद ही भूल गए हैं, तो आप उनके कंप्यूटर या मोबाइल से उनका वाईफाई पासवर्ड आसानी से पता कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। खैर, वजह जो भी हो, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने वाईफाई का पासवर्ड कैसे पता करते हैं। ध्यान रहे, किसी दूसरे के वाईफाई कनेक्शन को हैक करना इलीगल है, गैर कानूनी है। अगर आप वाईफाई हैकिंग सीखना चाहते हैं, तो आप गलत चैनल पर आए हैं। आप यूट्यूब पर कोई दूसरा वीडियो ढूंढ लीजिए, क्योंकि क्या कैसे पर ये इलीगल काम मैं नहीं सिखाऊंगी। चलिए पहले सीख लेते हैं कि पीसी या कंप्यूटर से वाईफाई पासवर्ड कैसे पता करते हैं। यहाँ मैंने विंडोज 10 का इस्तेमाल किया है, लेकिन दूसरे विंडोज वर्जन में भी तरीका लगभग यही है। ये आप देख सकते हैं, ये है मेरा डेस्कटॉप। नीचे आपको यहाँ पर वाईफाई कनेक्शन दिखेंगे, तो हम इधर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, अब एक डब्बा सा खुल गया। अब जो भी नेटवर्क कनेक्शंस मेरे रेंज में हैं, वो मुझे दिख रहे हैं। और ये है मेरा कनेक्शन और यहाँ लिखा है कनेक्टेड। अब दो तरीके हैं जिससे कि आप इस कनेक्शन के वाईफाई पासवर्ड को देख सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ देखिए, नीचे है नेटवर्क सेटिंग्स। अगर हम नेटवर्क सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं तो ये सेटिंग्स खुल गई। यहाँ पर आपको जाना है नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में। तो नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर क्लिक किया और अब ये देखिए, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर खुल गया। यहाँ पर आपको ये वाईफाई कनेक्शन एक्विक दिख रहा है। एक और तरीका भी है इसी पॉइंट तक आने का। आप चाहें तो आप यहाँ पर नीचे सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर टाइप कर सकते हैं कंट्रोल पैनल। ये देखिए, ऊपर कंट्रोल पैनल आ गया। इस पर क्लिक कर लीजिए और उसके बाद नेटवर्क एंड इंटरनेट पर चले जाइए। और उसके बाद ये ऊपर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर है, इधर क्लिक कर लीजिए। तो हम बिल्कुल वही जगह पर पहुंच गए। तो ये दो तरीके हैं, आप यहाँ से भी जा सकते हैं और आप सर्च से भी जा सकते हैं। ये एक्चुअली इसका पाथ है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए वाईफाई है, इधर क्लिक कर दीजिए। अब एक पॉपअप सा खुल गया। यहाँ पर आपको आपके वाईफाई का स्टेटस बताया जा रहा है। तो ये सब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी डिटेल्स, ये है इसका SSID यानी कि इसका ID, और आप देख सकते हैं ये है इसकी स्पीड, सिग्नल की क्वालिटी क्या है। हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें जाना है वायरलेस प्रॉपर्टीज में। तो वायरलेस प्रॉपर्टीज पर क्लिक कर लीजिए। अब एक और डब्बा सा खुल गया। यहाँ पर ऊपर दो टैब्स हैं, हमें जाना है सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में देखिए, आपके पास ये एकदम नीचे है नेटवर्क सिक्योरिटी की। यहाँ पर फिलहाल ये जो पासवर्ड है ये मास्क्ड है, ये दिख नहीं रहा। यहाँ पर सिर्फ आपको पासवर्ड की जगह पर कुछ डॉट्स दिख रही हैं। तो आप ये शो कैरेक्टर्स पर क्लिक कर दीजिए और ये देखिए, हमारे वाईफाई का पासवर्ड ये है। इस समय फिलहाल मैंने इसे ब्लर किया हुआ है, थोड़ा सा मास्क किया हुआ है, लेकिन आप आराम से कंप्यूटर से किसी भी वाईफाई कनेक्शन का पासवर्ड देख सकते हैं। चलिए, तो ये बहुत ही आसान था, कुछ ही मिनट्स में आप कर सकते हैं। और अब मैं ओके के बटन पर क्लिक कर देती हूँ। अब सीख लेते हैं कि अपने मोबाइल से वाईफाई पासवर्ड कैसे पता करते हैं। यहाँ मैं Samsung Galaxy S3 का इस्तेमाल करने वाली हूँ, जो एक Android फोन है।
जो तरीका मैं आपको सिखाने वाली हूँ, इसके लिए आपका फोन रूटेड होना चाहिए। अगर आपका फोन रूटेड नहीं है तो ये मेथड काम नहीं करेगा। अगर आपको सीखना है कि फोन रूट कैसे करते हैं तो आप YouTube में जा करके खोज भी सकते हैं। ये रहा मेरा फोन। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका मोबाइल रूटेड है या नहीं, तो आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है रूट चेकर बेसिक। यहाँ पर देखिए, मैं क्लिक कर लेती हूँ और यहाँ पर ये है वेरीफाई रूट स्टेटस। इधर हम क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, वो बोल रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस, रूट एक्सेस इज प्रॉपरली इंस्टॉल्ड ऑन दिस डिवाइस। इसका मतलब मेरा फोन रूटेड है। अगर आपका फोन रूटेड नहीं होगा तो आपको ये ग्रीन कलर का टिक मार्क नहीं दिखेगा, तो आप ये वाला तरीका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। खैर, ये सिर्फ रूट चेक था। जो आपको ब्राउजर चाहिए वो है रूट ब्राउजर। आप रूट ब्राउजर को जा करके प्ले स्टोर में से इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने इसे पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर रूट ब्राउजर पर क्लिक करके इसे खोल लेती हूँ। अभी हम इसको नो कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये बहुत सारी अलग अलग फाइल्स खुल गई। सबसे पहले हमें जाना है डेटा में। ये है डेटा, इधर हम क्लिक कर देते हैं। अब ये ऊपर आप ध्यान दीजिए, ये हमारा पाथ इधर आ जाएगा। तो फिलहाल मैं डेटा में हूँ। अब हमें नीचे जाना है। हम जाते हैं मिसलेनियस में। ये है MISC फोल्डर, इसे क्लिक करके खोल लेते हैं। अब ये मिसलेनियस का फोल्डर खुल गया। और अब नीचे जाते हैं, हमें जाना है वाईफाई के फोल्डर में। ये रहा वाईफाई, और इसे हम क्लिक करके खोल लेते हैं। ये ऊपर ध्यान दीजिए, डेटा, फिर मिसलेनियस और उसके बाद वाईफाई, और अंत में ये वाईफाई के फोल्डर के अंदर ये है WPA_supplicant.conf। हमें इस वाले पर जाना है, तो हम यहाँ पर क्लिक करके इसे खोल लेते हैं। अब ये वाली ऑप्शंस मेरे पास इसलिए आ रही हैं क्योंकि ये सारी एप्स मैंने अपने मोबाइल में पहले से इंस्टॉल की हुई हैं। लेकिन हो सकता है कि आपके पास ये सब एप्स ना हो, तो आप सिर्फ टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करके इससे भी खोल सकते हैं। चलिए, मैं इस पर क्लिक करके इसे खोल लेती हूँ। और ये देखिए, यहाँ पर आपको वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो आपके वाईफाई कनेक्शंस से संबंधित है। आपने जिन भी वाईफाई कनेक्शंस से कनेक्ट किया है, उन सब की डिटेल्स यहाँ पर हैं। जैसे कि ये रहा मेरा SSID, एक्विक, और आप देख सकते हैं यहाँ है PSK, और ये रहा मेरा पासवर्ड। अगर मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ तो ये देखिए, यहाँ पर ये सब के सब वो वाईफाई नेटवर्क्स हैं जिनके साथ मैंने पहले कनेक्ट किया है। जैसे कि ये एक एयरपोर्ट का लाउंज है, Terminal 2, लेकिन यहाँ पर जो पासवर्ड है वो अलग था, वो ये था। और एक है SSID दिल्ली, और ये रहा इसका पासवर्ड। आप अगर किसी होटल के नेटवर्क से भी गए हैं तो वहाँ पर भी आपको दिख जाएंगे पासवर्ड्स। जैसे कि ये मेरे दूसरे दिल्ली वाले घर का कनेक्शन है और ये है इसका पासवर्ड। इस प्रकार से आपने इस पर्टिकुलर फ़ोन से जो भी वाईफाई कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट किया है, उन सब के पासवर्ड्स इस फोल्डर में सेव्ड होंगे, इस फाइल में होंगे जो है WPA_supplicant.conf। तो देखा आपने, बहुत ही आसान है, और कोई भी बस कुछ ही मिनट्स में अपने वाईफाई कनेक्शन का पासवर्ड PC या मोबाइल से आसानी से पता कर सकता है। ये हैं हमारे कुछ और पॉपुलर वीडियोस। स्क्रीन पर क्लिक करके आज कुछ नया सीख लीजिए। आपके कमेंट्स, सवाल और सुझाव मैं रोज पढ़ती हूँ। उन सब के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अब आपने सीख लिया है कि PC या मोबाइल से अपने वाईफाई कनेक्शन का पासवर्ड कैसे देखते हैं। वीडियो पसंद आया तो YouTube में लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर करना मत भूलिए।
आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।